स्माइल कर स्माइल। अबे तू दिखाई नहीं दे रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल हमने चिड़ियों के लिए दाना रखा था और आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चिड़ियों ने दाना पूरा नहीं खाया है। मैंने सोचा था आज इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं खाया, तो अब हम इसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे। जब ये पूरी तरह से ख़त्म कर लेंगे तब हम लोग वापस से साफ़ करके बनाएंगे। फ्रेंड्स, मिलिए सम्राट से। सम्राट एक्चुअली में मम्मी पापा की बात नहीं सुनता है और आज करीबन 10 दिनों से इसकी तबीयत खराब हो रही है। दवाई लेने के बाद इसका तबीयत बीच बीच में ठीक हो रहा है, लेकिन जब से ही तबीयत थोड़ा सा ठीक हो रहा है ये पानी में जाके नहा लेता है, जिसकी वजह से इसे सर्दी खांसी बुखार कंटिन्यू हो जा रहा है। तो अभी दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, टाइम पे दवाई खाना और पानी में बिना पूछे मत जाना, तो तबीयत ठीक हो जाएगा। ओके सो फ्रेंड्स, सब लोग बैठ के छत पे रिलैक्स कर रहे हैं। मिलिए हमारे लुलुआ बुलुआ से, लुलुआ बुलुआ उर्फ रुद्र प्रताप शुक्ला। दोस्तों, आज जीवतिया का पर्व है। ये पर्व बच्चों के लिए रखा जाता है, सही है ना? हाँ, ये जीवतिया का पर्व लड़कों के लिए रखा जाता है। इसमें माताएं 2 दिन उपवास करती हैं, और जैसे कल के दिन से उन्होंने उपवास पकड़ा हुआ है और आज के दिन मेहंदी छाप रही हैं। तो जैसे देखिए उनकी सुंदर मेहंदी, ये हमारी छुटकी, दिखा मेहंदी दिखा। हाँ, यहाँ पे देखिए मेहंदी कहाँ। तो मेहंदी का डिज़ाइन पसंद आया हो तो भी लाइक कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, साइड का एक चक्कर लगा के आते हैं, देखते हैं आदमी लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैं निकलूँगा अपने ब्लैक बुल्टा पे, ब्लैक बुल्टा। शक्ल दिखाओ, कहाँ पे? अच्छा, ठीक वाला। बाहर में मोटा मोटी काम हो गया है, अंदर में मोटा मोटी काम बाकी है, जिसमें अभी टाइल वाइल लगना, फिनिशिंग लगना। जैसे ये भी आप स्टूडियो में देख रहे हैं, टाइल वाइल नहीं लगी है। जैसे जैसे हमें फिनिशिंग मिलेगा वैसे वैसे हम कंप्लीट करते रहेंगे। काफ़ी हद तक हो गया है। आइए मिलिए हमारे राम सिया जी से। ये काफ़ी एडवेंचरस आदमी है, इनका काफ़ी बार एक्सीडेंट हो चुका है बहुत बुरी तरह से, टूट फूट जाने के बावजूद भी ये अपने काम में इतने एक्टिव और एक्सपर्ट है कि पूछिए मत। डेली के दूध बोरा पुट्टी लेते हैं कि ज़्यादा लोड लेना पड़े, ठीक बात। आइए आपको एक ख़तरनाक सी चीज़ दिखाते हैं। ये हमारे बाकी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स भाई लोग काम कर रहे हैं, जो कि इतने डेंजर ये खीले वाले लकड़ियों को ऐसे इन्होंने छोड़ दिया है, जो कि किसी के भी पैर में बहुत बुरी तरह से लग सकता है। ये वो लोग बोलो कि भाई अपना अपना साफ सफाई करके जाया करो, ठीक है ना, तो ऐसे डैमेज हो जाए। आइए आपको दो फांकी मारो से मिलाता हूँ। मिलिए हमारे दो महान एक्सपर्ट से, जो कि यहाँ बैठकर फांकी मार रहे हैं। हालांकि फांकी नहीं मार रहे हैं, अभी ये लोग जस्ट झूले का काम ख़त्म करके आए हैं और ये ज़रा बीड़ी फूकेंगे, उसके बाद अपने काम पे फिर से जाएंगे। ओके, चलिए। जिस बंदे के लिए हम लोग वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे वो बंदा आ गया है, उसे हम लोग पेमेंट लेके आते हैं। फ्रेंड्स, आइए आपको एक महान हस्ती से मिलाता हूँ, मेरे बड़े भाई, शेयर मार्केट के एक्सपर्ट, जो कि मुझे जो भी शेयर्स के नाम बताते हैं वो 7 से 14 दिन में मुझे कुछ ना कुछ पैसे बढ़ के ही मिलते हैं। तो वेलकम हमारे बड़े भ्राता श्री राहुल शुक्ला। हमने कहा 5 गो शेयर बताओ जो हम 7 से 14 दिन में बढ़े। सभी मैं आया था अपने छोटे भाई को लेने के लिए, इसे ले लिया है, अब हम निकलेंगे घर। मिलिए हमारे घर के 3 महान वॉरियर से, जो कि गैलरी में बड़े प्यार से मिल के खेल रहे हैं, सम्राट, बीरा और नमन। ये देखो नमन भागते हुए। ले लिया है प्रताप, ऊपर देखो प्रताप, ऊपर देखो। हाँ, तो अभी हमने प्रताप को ले लिया है, निकलते हैं घर की तरफ।
अकेले। एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले हमारी ब्लू ट्रिवर पार्किंग में घिस गई थी, उसका बैक दरवाजा बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया था, लेकिन इंश्योरेंस होने की वजह से हमें क्लेम मिल गया, उसका दरवाजा ही सीधा बदल के मिल रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं आज उसकी डिलीवरी लेने के लिए। तो कार मिलने में भी टाइम लगेगा, तो यहाँ पर बैठते हैं, वेटिंग में वेट करते हैं। बोल दो नहीं, सीटिंग अच्छी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आज जीतिया का त्यौहार है, और इस त्यौहार में, ये त्यौहार लेडीज़ लोग बच्चों के लिए रखती हैं। और अभी हम लोग यहाँ पर भोले बाबा के, शंकर भगवान के मंदिर पे आए हुए हैं, और यहाँ नीचे लेडीज़ लोग, एक बरियार का पौधा होता है जो कि उसकी जड़ें ज़मीन में काफ़ी अंदर तक गई होती है, उसे ये लोग पहले उखाड़ते हैं, फिर रोपते हैं, और तब उसकी पूजा करते हैं, और फिर व्रत संपन्न होता है। ये लोग 24 घंटे के बाद अपना उपवास छोड़ेंगे। ये है भोले बाबा के मंदिर की सीढ़ियाँ। तक हमारे घर की लेडीज लोग आ गई हैं, यहाँ पर भी पित्रिका की पूजा चालू है, थोड़ी देर में पूजा कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम लोग घर के लिए निकल लेंगे। तो यहाँ पे जीतिया की पूजा चल रही है, इसमें बरियार महाराज को पहले उखाड़ा जाता है, फिर रोपा जाता है, अच्छा पानी से धो के, अच्छा पानी से धो के फिर इनकी पूजा की जाती है। बरियारे का पूजा हो रहा है ना, हाँ ओके। अभी थोड़ी देर में पूजा कंप्लीट, इसमें एक कहानी भी सुनाएंगे, वो कहानी मैं सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों को सुनना हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं कहानी कभी और सुना दूंगा। जय हो जीतिया महाराज की। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। हैव अ गुड नाइट।